नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार गोस्वामी आपका अपना चैनल ग्रीन बात पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अनागढ़ शमशान घाट पर आए हैं वृक्षारोपण करने और एक वृक्ष माँ के नाम के तहत। आज हरित वृक्ष सोसाइटी द्वारा अनागढ़ शमशान घाट में करीब 50-60 वृक्षों का, जो कि 15 फुट से ऊपर के ही हैं सारे, उनका वृक्षारोपण सदस्यों द्वारा किया गया है। सभी सदस्य पूरी मेहनत के साथ यहाँ जुटे रहे हैं, सभी पसीने पसीने हो रहे हैं, पर ये बहुत ही पुण्य काम आज सोसाइटी द्वारा किया गया। इसके बाद ये पूरी टीम अब स्वास्थ्य मंदिर पहुँचेगी, जहाँ पर इनको वृक्षारोपण करना है। हमारा निरंतर प्रयास यही रहेगा कि भरतपुर में जगह जगह पर जहाँ भी अपन को सुरक्षित स्थान मिले, वहाँ अधिक से अधिक अपन पेड़ लगाएं, भरतपुर को हरा भरा बनाएं, यही मेरी कामना है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो, हरितपुर सोसाइटी ने इस सत्र में पूरे भरतपुर में करीब 5,000 पौधे लगाने का दृढ़ संकल्प लिया है। उसी कड़ी में आज पहली बार सोसाइटी के सभी सदस्य सुभाष नगर शमशान घर में आज उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर करीब सोसाइटी ने आज 65 पौधे लगाए हैं, और इसके बाद सोसाइटी अभी अपना घर स्वास्थ्य मंदिर आश्रम में पौधे लगाने जा रही है, उधर भी बड़े पौधे लगाए जा रहे हैं। साथियों, हमारा मकसद, सोसाइटी का मकसद सिर्फ वृक्ष लगाने तक ही सीमित नहीं है। हमारा जो टारगेट है, इस साल का जो प्लान है, हम करीब 12-18 फुट के लंबे पौधे लगा रहे हैं। प्रॉपर हम ड्रिलर से गड्ढे खुदवाकर उनमें खाद, जिप्सम, फंगीसाइड्स आदि मिलाकर पौधा लगा रहे हैं। हमारा ये संकल्प है कि जो भी पौधा हम लगाएं वो 100% ग्रोथ के साथ एक बड़े वृक्ष का आकार ले, ताकि भरतपुर को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भरतपुर में हरियाली फैलाई जा सके। हाँ, सोसाइटी अभी रुक नहीं रही है। हमारा सबसे बड़ा प्लान तो MSJ कॉलेज में प्लांटेशन का है, जहाँ करीब सोसाइटी द्वारा 2,000-2,500 पौधे लगाने का प्लान रखा गया है, जिसकी प्रॉपर उस पूरे मैदान ग्राउंड पर हमने तार फेंसिंग कराई है, JCB से बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए, क्योंकि उनकी माँ की वड्डी ख़राब है, वहाँ पर नमक का पन ज़्यादा है। इस वजह से सोसाइटी ने JCB से गड्ढे खुदवाए और उनमें भूर मिट्टी और जिप्सम का और खाद का एक मिक्सचर मिला के उसमें पौधे लगाने का प्लान किया जा रहा है। जब भी वहाँ पर हमें पौधे लगाने का प्लान किया गया था, सोसाइटी के सभी सदस्यों द्वारा और बाकी के सभी सदस्यों द्वारा ये बताया गया था कि MSJ कॉलेज प्रशासन द्वारा विगत 5-6 साल से लगातार वहाँ प्लांटेशन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन वो सक्सेस हो नहीं रहा है। इसलिए सोसाइटी ने ये प्लान किया, हमारे अध्यक्ष साहब ने, हमारे और भी सीनियर सदस्यों ने ये प्लान रखा, क्योंकि यहाँ पर JCB से गड्ढे खुदवाए जाएँ, उनमें जिप्सम मिलाया जाए, मिट्टी का हमने वहाँ पर पहले परीक्षण करवाया था, उसके बाद ही प्रॉपर हम एक रेसो के साथ मिक्सचर बनाते हुए हम प्लांटेशन लगा रहे हैं। इस साल का हमारा संकल्प एक बहुत बड़ा संकल्प है। हम सभी भरतपुरवासियों से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि वो सभी हमारे साथ जुड़े इस मुहिम में, इस पुण्य मुहिम में हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, क्योंकि ये मुहिम प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था कि एक वृक्ष माँ के नाम लगाया जाए। तो आज सभी सोसाइटी के सदस्यों द्वारा अपने पूज्यपूर्ण जनों के जन्म नाम से आज यहाँ पर वृक्ष लगाए। जय सर। आपका हमारे रोहित सर और ये उद्यान विभाग में सुपरवाइजर हैं भरतपुर के अंदर, और वृक्षारोपण में ये अपना सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है प्लांट लगाने के लिए। और भगवान शर्मा जी, एक्स सर्विसमैन, अरुणाचल प्रदेश पुलिस, वायरलेस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जी, इनके द्वारा भी एक प्लांट लगाया गया। काफ़ी सारे प्लांटों में इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, ये यहाँ पर प्लांटेशन के कार्य हुए हैं। ब्रजेश गोस्वामी जी जो हमारे मीडिया के स्तंभ हैं, वो अपने हाथों से एक पीपल का वृक्ष यहाँ लगाने जा रहे हैं अनागढ़ शमशान में। बहुत ही पुनीत कार्य आज सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। यहाँ आज हमने 51 प्लांट जो कि बुजुर्ग प्लांट कहलाते हैं, बरगद, पीपल, नीम, इस तरह के प्लांट लगाए हैं, जो भविष्य में बहुत ही अच्छी छाया देंगे। मैं अवनीश शर्मा, हरित वृक्ष सोसाइटी सीट से वित्त मंत्री। आज हमारी सोसाइटी द्वारा अनागढ़ शमशान स्थित लगभग 70 के करीब 10-12 फुट के वृक्ष लगाए गए हैं, और सोसाइटी का उद्देश्य ये है कि भरतपुर में जितना हो सके हरा भरा रहे, और इसी के सोसाइटी का जो लक्ष्य है, उन लक्ष्यों के तहत MSJ कॉलेज, अनागढ़ शमशान घाट, स्वास्थ्य मंदिर, आज इन तीन जगह पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। और जो हमने प्लांटों का चयन किया है, वो 10-12 फीट के प्लांट लिए हैं, जो कि गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम में बड़े आसानी से सर्वाइव करें, और पौधे भी हमारे द्वारा ऐसे लिए गए हैं कि जो हरे भरे रहें, अधिक से अधिक छाया करें। मेरे द्वारा अपने दादाजी की स्मृति में भी एक पौधा लगाया गया है। धन्यवाद। शशि गर्ग,
मैं हरित व्रत सोसाइटी के एक सदस्य के रूप में आज सुभाष नगर शमशान घाट में कुछ वृक्षारोपण किया है। ये मेरा तीसरा प्रयास है। पहला प्रयास हमने खाटू श्याम जी के मंदिर में खाटू श्याम जी के मंदिर के बगल में हनुमान मंदिर पे 20-25 पौधे लगाए, फिर बिहार जी की परिक्रमा में लगाए सोसाइटी के साथ, आज यहाँ पर लगाए। ये जो वट वृक्ष लगाए मैंने हमारे ससुर साहब के पूरन मल जी गुप्ता के नाम से आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। धन्यवाद। हरित सोसाइटी सुबह 6 बजे से प्लांटेशन में जुटी हुई है। सुबह नहा के शमशान घाट में वृक्षारोपण किया गया। 51 पौधे बड़े बरगद और नीम पीपल ये लगाए हुए हैं। आज स्वास्थ्य मंदिर में आए हुए हैं हम लोग और यहाँ पे भी 21 पौधे रोपे हुए हैं बड़े वाले। तो सारी सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व है, सभी पूरे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पे सर वीरेंद्र सर भी हमारा पूरा सहयोग दिए हुए हैं स्वास्थ्य मंदिर से। धन्यवाद सभी का। नमस्कार, मैं विकास मित्तल हरित ब्रज सोसाइटी का एक सदस्य हूं। मेरा ये प्रयास है कि क्लीन भरतपुर ग्रीन भरतपुर, इसी प्रयास में हम सब लोगों ने अभी जो प्लांटों का चयन किया है, मैं उसके बारे में 2 मिनट आपको बताना चाहूँगा। हम सब लोगों ने ऐसे प्लांट लगाए हैं जिनका कार उम्र कम से कम 50 से 70 साल होती है। पीपल, गूलर, बरगद, नीम, शीशम, हम हर प्लांट को कम से कम 10 फुट का लेके लगा रहे हैं जिससे वो प्लांट बड़ी तेज़ी से बढ़े और अगले 2 साल में वो वृक्ष का रूप ले ले। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि कृपया करके भरतपुर में एक एक प्लांट अपने पूर्वजों के नाम पे, अपने इष्ट मित्रों के नाम पे जरूर लगाएं। धन्यवाद। ये पौधा जो पीपल का लगाया है अपने पिताश्री की याद में, श्री तेज सिंह जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान पथ परिवहन निगम तिलकनगर में रहते थे, सबकी सहयोग से मैंने लगाया है। ईश्वर पौधों को लंबी आयु दे, ऐसी हम सबकी कामना है। राधे राधे। सोसाइटी का गठन है 2023 में किया गया था और सोसाइटी का उद्देश्य ये है कि हम पत्तों को हरा भरा बनाए, हमारी सोसाइटी क्षेत्र में जगह जगह प्लांटेशन करके बहुत अच्छा सम्मानित सदस्य कर्मठ सदस्य द्वारा प्रचार कार्य किया जा रहा है। आज जो है शमशान स्वास्थ्य नगर में 51 पौधे एवं स्वास्थ्य मंदिर महाराज सर पर 31 पौधे लगाए गए। ये सब हमारे साथियों के एक निष्ठावान सहयोग के द्वारा हो पाया है, अन्यथा ये संभव नहीं होता। और आगे भी हमारे 10 स्थलों पर प्रयास किया जा रहा है कि सभी को प्लांटेशन करके हरा भरा बनाया जाए। ये साथियों के द्वारा चैरिटी की गई है और कुछ दानदाताओं के द्वारा भी सहयोग दिया गया है। हमारा MHA कॉलेज पर 500 पौधों का लगाने का प्रोग्राम है, जहाँ पर 2,500 छोटे पौधे लगाए जाएंगे और 5,000-6,000 पौधे लगाए जाएंगे और ये सब हमारे सहयोगी साथियों के द्वारा ही किया गया। Gracias.